हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ और इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। स्पेशली ये वीडियो मैं मेरे प्यारे बेटे अगस्त शर्मा के लिए बना रहा हूँ, जो इस समय रुड़की में है और मनीषा दीदी और सभी लोगों की बहुत सेवा करता है। तो प्यारे अगस्त, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कैसे स्टडी किया जाता है। मैंने ग्राफ तो बनाए हैं यहाँ, पर ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको देना चाहूँगा कि व्हाट इज रियली द बेसिक्स ऑफ ग्राफ एंड हाउ टू फाइंड इट। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन यू व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द ग्राफ्स। तो ये बेसिक आप पहले सीखने की कोशिश करें, इनको भूल जाएं, इनको ना देखें, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देखें। द फर्स्ट ग्राफ आई एम मेकिंग और ड्राइंग फ्रॉम फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक ही बात है ये, एंड टाइम, करेक्ट। इसको कई बार हम कहते हैं एक्सटी ग्राफ। अब ये एक्सटी ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं और इनसे क्या निकाल सकते हैं, दैट आई एम गिविंग यू। देखिए पहला ग्राफ देखिए आप, ऑन एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। सो ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग टाइम सपोज इन सेकेंड्स, एंड हियर आई एम टेकिंग एक्स। नाउ एक्स मे बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इफ इट इज डिस्टेंस देन वी आर गोइंग टू फाइंड स्पीड, एंड इफ डिस्प्लेसमेंट देन वेलोसिटी। सो सपोज दिस इज ओरिजिन, यू नो वेरी वेल, एंड कर्व कैसी है इसकी, कर्व ऐसी है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना, सेंटर से जाना चाहिए। ये देखिए, इट मीन्स टाइम इंक्रीजेस एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। इट मीन्स इट इज अ ग्राफ इन विच वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। कैसी है वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हियर ये पोजिशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। अब इससे क्या निकाला जा सकता है, इससे हम निकाल सकते हैं, एक्चुअली दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ द कर्व। इसको कहते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व। तो समटाइम्स द स्टूडेंट्स दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट दैट व्हाट इज स्लोप। स्लोप का मतलब बताता हूँ कि एक कोई लाइन है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इट मेक्स एन एंगल, एंड दैट इज नोन एज स्लोप। स्लोप इज द एंगल बिटवीन ए लाइन विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज नोन एज स्लोप। तो ये स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए सपोज आई एम टेकिंग हियर टू पॉइंट्स, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एंड इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हियर दिस इज टाइम टी वन, एंड दिस इज सेकेंड वन, दिस इज टाइम टी टू, करेक्ट। हियर ऑल्सो आई एम ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर, एंड हियर ऑल्सो। सो दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू, और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री हो गया। इसको नाम दे देता हूँ ए, या चलो ए आप कहोगे पहले ही लिया था, ए बी सी। दिस इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, इसको भी थीटा कहते हैं हम लोग। अब एक्चुअली यू आर इन नाइन्थ क्लास, सो मे बी यू आर नॉट नोइंग टेन थीटा, साइन थीटा, पर आप ये याद रखें कि स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका काम हो जाएगा, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि यहां से देखिए हम क्या निकालते हैं। इसका स्लोप निकाला, स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा। तो आप मत लिखिए टेन थीटा, मैं ये नहीं कह रहा, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है देखो बी सी, एंड बेस इज ए सी, करेक्ट। नाउ बी सी क्या है, देखो बी सी यहां से यहां तक एक्स वन है और यहां से यहां तक एक्स टू है, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, एंड ए सी, ए सी ये है टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। अब ध्यान से देखो तो ये क्या,
एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी टू माइनस टी वन इज टाइम इंटरवल, करेक्ट? सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज वेलोसिटी। इसका मतलब अगर आप स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व इज इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड भी, अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिया हमने, क्या लिया? डिस्टेंस, देन इट इज स्पीड। तो अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो आपको स्पीड मिल जाएगी। आपने एक चीज सीख लिया, ठीक है। इसी में मैं आपको एक दूसरी चीज भी बता सकता हूँ फटाफट, वो ये है कि सपोज आपने एक्स टी कर्व नहीं लिया, ये मैं बाद में, दो मिनट रुक के बताता हूँ, पहले एक और ग्राफ बताता हूँ। एक और ग्राफ देखिए, सेकेंड ग्राफ। सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्स एंड ग्राफ इज लाइक दिस। ग्राफ इज लाइक दिस मीन्स दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम इज इंक्रीजिंग बट पोजिशन इज सेम, यानी बॉडी चल ही नहीं रही है। कहाँ है बॉडी? बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। एंड सपोज हमें यूनिफॉर्म मोशन लेना है, क्या लेना है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए थर्ड ग्राफ, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स द बॉडी इज मूविंग विथ, कैसी वेलोसिटी है हमारी? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली हर टाइम इंटरवल में सेम इंक्रीज हो रही है। दिस इज एक्स एंड दिस इज टी, सो दिस इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? हाँ शाबाश, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज हियर स्पीड इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली, और स्पीड इज कॉन्स्टेंट, नॉट इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है। एंड सो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक और इसी में कर्व बताता हूँ। तो ये मैंने कर्व किसके लिए बनाया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज आई एम मेकिंग ए ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा देखते हैं। तो इसको मैंने वी नाम दे दिया, और ये तो टी है, ये हो गया वी। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए बच्चों? दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आप जानते हैं, देयर इज नो चेंज इन द, नो चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड इन ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, द स्पीड और वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, यानी हर सेकेंड में सेम स्पीड है। सो दिस इज वाई एक्सिस अगेन। तो मैंने फिर दो पॉइंट ले लिया, अब देखो ये नाम बदल गया, ये हो गया वी वन और ये क्या हो गया वी टू, तो ये क्या हो गया वी टू माइनस वी वन। तो देखो तो अब निकला क्या, तो देखिए सेम चीज लेके चला मैं, स्लोप टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए सी। अब ये एक्स टू और एक्स वन बदल गया, सो एक्स टू एंड एक्स वन इज वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस वी वन। नाउ वी टू माइनस वी वन क्या हुआ? वी टू माइनस वी वन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। नाउ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब vt ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूं? एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ vt कर्व
gives you the value of acceleration. ये तरीके बता रहा हूँ आपको. ओके, अगर ऐसा करवे तो ये v है वेलोसिटी. तो क्या बॉडी रेस्ट में है? बॉडी रेस्ट में नहीं है, बिकॉज टाइम इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग. वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, यानी आप आपकी गाड़ी चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपकी मर्सिडीज रेड कलर में बैठ के, और आप बोलोगे कि माय वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, यानी विथ जीरो एक्सिलरेशन जा रही है आपकी. जीरो एक्सिलरेशन यहाँ पर कैसे जा रही है, देखो ब्लू कलर से लिखता हूँ, जीरो एक्सिलरेशन, दैट इज विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ओके, ऐसा भी तो हो सकता है. ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, इसको मैं छोड़ देता हूँ. एक और आता है इसमें पर, जो बड़ा अच्छी चीज है. देखो तो काला हो गया है, तो कपड़े से बचाना पड़ेगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर. सो सपोज योर कर्व इज लाइक दिस, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी. इसका मतलब क्या हुआ है? वेलोसिटी कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन का ब्रदर है, एक्सेलरेशन का एक ब्रदर है, दैट इज रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो दिस इज रिटार्डेशन के लिए, और किसके लिए? ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ओके, अब एक चीज और नहीं बताई आपको, यू नो वेलोसिटी एंड टाइम, हमेशा फार्मूला याद रखो आप. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट मीन्स इफ वीटी कर्व इज देयर वी कैन आल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा. डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो स्लोप नहीं निकालेंगे, ये जो कर्व है ना इसके नीचे का एरिया निकाल लो, ये एरिया याद रखना, एरिया अंडर कर्व इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. यानी अगर मैं इसका एरिया निकाल दूंगी ये पूरा, तो देखो क्या हो गया, ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए, इसको कुछ भी नाम दे दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी वन प्लस एरिया ऑफ, ये क्या है, एक और ट्राइंगल बी ए सी प्लस दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है, ए सी टी वन टी टू, ए सी टी टू टी वन या जो भी दे दो यार. ओके, तो अब आप याद रख लें, इफ यू हैव वी टी कर्व, इफ यू फाइंड स्लोप यू विल गेट एक्सेलरेशन, इफ यू फाइंड एरिया अंडर द कर्व यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट, और ये स्पीड है तो डिस्टेंस आ जाएगा, करेक्ट. तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं हमें आते हैं कि नहीं, और आएंगे आपको, आपको बड़ा मजा आएगा करने में कि वाह यार कितने इजी है. और अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं आप सब लोग, तो ऑनलाइन पढ़ने का भी मजा अलग है कि ऑन करो और इधर उधर गायब हो जा. है ना बढ़िया. सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर वन. इन क्वेश्चन नंबर वन क्या है मेरे पास, ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टाइम इन आवर्स एंड हियर आई हैव डिस्टेंस इन किलोमीटर. तो थोड़ा ये ठीक नहीं दिख रहा है ना, चिपक गया है. चल भाई मिट जा मिट जा मिट जा. हाँ, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं. ये है डिस्टेंस इन किलोमीटर, करेक्ट बच्चों? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कर्व है मेरे पास. अब मुझे इसमें से क्या निकालना है,
क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम है, तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी नहीं, क्यों? अरे ये डिस्टेंस है ना, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, वो भी करके बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड स्पीड, स्पीड निकाल के बताओ। याद है आपको स्पीड कैसा होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। तो यू टेक एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट ले लो, इसको पहले नाम दे देता हूँ। दो पॉइंट ले लूँ? चलो एक ही ले लिए, टू ही ले लूँ? अरे टू ठीक है, नहीं पसंद नहीं है आपको, चलो फोर ले लिया। ये हो गया ए, तो यहाँ से एक डाल दिया मैंने, कर्व डाल दिया, या सिक्स से डाल दिया, सिक्स से डालूँ? हाँ सिक्स वाला लेता हूँ, चलो ये डाल दिया ए, और यहाँ भी डाल दिया एन, यहाँ लिया है। ठीक है बच्चों, इसको आगे बढ़ा दिया, ये 90 हो गया। इससे बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे हम। सो देखो ये थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा, थीटा मीन्स एंगल। तो नेम दे देता हूँ ए बी सी, और इसको भी नाम दे देता हूँ, ई एफ दे दूँ, ई एफ दे देता हूँ, ई एस। अरे तो अब मैं स्पीड निकालता हूँ, स्पीड मीन्स दिस अपॉन दिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी सी लेता हूँ, बी सी क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक सिक्स है और यहाँ से यहाँ तक टेन है, तो मतलब ये हो गया टेन माइनस सिक्स, इसका मतलब कितना हो गया? फोर हो गया। एंड टाइम लेता हूँ टेन माइनस फोर, ये सिक्स आया मेरा। ओके तो हो सकता है कि मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ, आपका आंसर अलग आए, बट नो प्रॉब्लम। वी नो स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू, क्या होगा स्लोप ऑफ कर्व? बी सी अपॉन ए सी। कितना है बच्चों बी सी? ये देखो दिस माइनस दिस, टेन माइनस सिक्स, एंड ए सी ये है, ए सी इज टेन माइनस फोर, सो फोर अपॉन सिक्स, टू टू जा, टू थ्री जा, तो मेरा करीब टू अपॉन थ्री आ रहा है। पर मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन में ऐसा नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डेटा मेरा यहाँ अलग हो गया है। तो डेटा अगर मैं यहाँ एट से लेता हूँ, एट और फोर, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं। एंड दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, दिस इज मीटर पर सेकेंड इक्वल टू स्पीड, ये स्पीड आ गई। स्लोप ऑफ कर्व बच्चों काय का आता है? स्पीड आता है। सपोज हियर यू हैव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सो यू कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो डिस्टेंस था, क्या था ये? डिस्टेंस। सो देन इफ यू आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, फार्मूला भी आपको आता, अगर ये नहीं आता हो तो, सो दिस इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, टी टू माइनस टी वन। तो एक्स टू क्या था मेरा? देखो एक्स टू टेन था ऊपर, और इधर क्या लिया था मैंने? सिक्स। एंड टी टू माइनस टी वन इज टेन माइनस फोर, सो देखिए अगेन फोर अपॉन सिक्स, यानी टू अपॉन थ्री मीटर पर सेकेंड। सो हियर स्पीड एंड वेलोसिटी वो था सेम। अब आप कहोगे कि सर आपने ये दोनों पॉइंट क्यों लिए, एक ये वाला और ये वाला भी तो ले सकते हैं। हाँ ये भी ले सकते हैं, चलो हम ये भी लेके करते हैं एक बार। देखो x2 माइनस x1 यहाँ से ले रहा हूँ,
कौन सा ट्राइंगल है मेरा? इन ट्राइंगल ओ बी एफ, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना है परपेंडिकुलर मेरा यहां से यहां तक? ये है जीरो और ये है टेन। टेन माइनस जीरो एंड दिस इज टेन माइनस जीरो, सो टेन अपॉन टेन यानी 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड आ गया मेरा। और यहां मेरा चेंज आ रहा था, तो ये चेंज आना नहीं चाहिए, ये ग्राफ की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास। एंड इफ यू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, देन एरिया अंडर द कर्व इज ऑल्सो सेम। तो मैं चेक करता हूँ आवर्स में, अच्छा सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं है, बिकॉज किलोमीटर एंड आवर्स गिवन। सो दिस इज किलोमीटर पर आवर, दिस इज ऑल्सो किलोमीटर पर आवर। सो यू कैन फाइंड स्पीड विद द हेल्प ऑफ एनी टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर अपने पॉइंट्स गड़बड़ हो रहे हैं, तो इन गड़बड़ पॉइंट्स को ठीक किया जाए। चलो भाई हट जाओ, तुम भी हटो। तो सपोज मुझे 6 और 8 के बीच में निकालना है, यहाँ पर निकालना है ये और ये, करेक्ट। तो इसको मैंने परपेंडिकुलर डाला, थोड़ा 6 है मेरा नीचे आ, एंड दिस इज 8 है। चल भाई आगे चला जा, ए बी सी, ओके, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, करेक्ट। नाउ फिर से मैं आ गया, देखिए स्लोप ऑफ कर्व इज बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन, ये इतना चाहिए मुझे, यानी दिस माइनस दिस, 8 माइनस 6, इधर कितना आ रहा है? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, ये भी 8 माइनस 6 है, ठीक है बच्चों। यहाँ रख देते हैं वैल्यू और अब देखते हैं क्या आ रहा है। 8 माइनस 6 अपॉन 8 माइनस 6 2 अपॉन 2, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, देखो सेम आया। तो पहले मेरा अलग आया था बिकॉज माई स्केल इज डिफरेंट। तो आप कभी ये ना सोचे कि आंसर क्या आ रहा है, बिकॉज आंसर डिपेंड अपॉन द स्केल। इफ स्केल इज डिफरेंट योर आंसर इज ऑल्सो डिफरेंट, बट फार्मूला इज सेम, ओके। वेलोसिटी भी ऐसे ही निकल जाएगी आपकी, ओके। सो सेकेंड चीज आपको बताती हूँ कि सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड, ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। नाउ वी कमिंग टूवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन। इन सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया, देखना जस्ट बेटा, हियर टाइम इज गिवन एंड हियर वेलोसिटी इज गिवन। तो फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देन कॉन्स्टेंट है और देन डिक्रीजेस। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं देखते हैं। देखिए इसको नाम दे दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए बी सी, एंड सपोज दे आर आस्किंग इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, ये हर इंटरवल ऑफ टाइम, इसको भी एक नाम दे दीजिए डी ई, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, जहां जहां एक्सेलरेशन है वो निकालो, और ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो इसका एरिया अगर आप निकालोगे देन दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं दोनों चीजें निकाल के बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग एक्सेलरेशन इन ईच इंटरवल या ईच सेक्शन, चलो सेक्शन ज्यादा अच्छा है। तो पहला सेक्शन कौन सा है? यहां से यहां तक है, सेम जा रहा है, दैट इज ओ ए डी इन सेक्शन यानी ट्राइंगल ओ ए डी, ओके। सो यू नो वेरी वेल वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, सो वी कैन टेक स्लोप थीटा, एंड स्लोप गिव्स यू द वैल्यू ऑफ
acceleration. Shabash. So we know slope equal to tan theta equal to perpendicular upon base. Perpendicular ये होता है ना, 90 वाला ये कितना है AD अपॉन बेस ये है OD और ये स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. किसके इक्वल बच्चों? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को वी आर राइटिंग A, तो AD लेता हूँ. AD ये कितना AD देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो 3 है, 3 माइनस 0 है ना, 3 माइनस 0 एंड दिस इज 2 माइनस 0, सो 3 अपॉन 2 यानी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाई. इट मींस हियर एक्सीलरेशन इंक्रीजेस विथ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मैंने फर्स्ट सेक्शन का निकाला है. अब सेकंड सेक्शन पे आता हूँ. सेकंड सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? पहले मैंने O से A निकाला है. ये फर्स्ट सेक्शन मींस O से A, ओके, एंड देन A टू B. फ्रॉम A टू B, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, निकालते हैं. अब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम तो वही फार्मूला लगाते हैं स्लोप. तो यहाँ देखिए आप, ये सेम है 3 माइनस 3. ए भी 3 पे है और बी भी 3 पे, और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. Parallel to time axis means there is no change in the velocity. So it is moving with constant velocity. यानी acceleration नहीं है, zero acceleration है. तो कैसे आएगा बताता हूँ. देखो 3 minus 3 और time 5 minus 2. So 0 upon 3 यानी 0. It means acceleration is 0 हुआ. और ये parallel है. Therefore from A to B acceleration is 0 and velocity is constant. Now from B to C again slope आ गया. याद रखो जब भी कोई slope आता है, याद है आप, आपकी कार लेके आप अगर पहाड़ी के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हो या पहाड़ी से उतर रहे हो तो आपकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, एंड दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन. So, मैं अब बी से सी जा रहा हूं, बी टू सी. थर्ड फ्रॉम बी टू सी, तो बी से सी गया तो स्लोप अगेन, आई एम टेकिंग स्लोप. स्लोप क्या होगा बच्चों? दिस अपॉन दिस, बी अपॉन ई सी, ओके. तो कहाँ से कहाँ आ रहा है ये देखो, ये जीरो हो रहा है, ये फाइनल है. दिस इज फाइनल, जीरो माइनस थ्री अपॉन एट माइनस फाइव, सो दिस इज माइनस थ्री अपॉन एट माइनस फाइव इज थ्री, सो माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज रिटार्डेशन. क्या है ये? रिटार्डेशन. तो देखिए तीनों में निकाल लिया. फ्रॉम हियर टू हियर वेलोसिटी इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, हियर एक्सेलरेशन इज जीरो. यहाँ देखो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है और यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव, क्योंकि रिटार्ड हो रहा. ओके, तो ये अच्छा लगा आपको. देखो क्वेश्चन, अब इसी में एक नई चीज बताता हूँ. या नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, बट यहाँ भी बता देता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इजी हो जाएगा. सपोज यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है. सो यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. इसका भी अलग निकाल सकते हो, इसका भी अलग, इसका भी अलग, कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना. तो मैं निकाल के बताता हूँ आपको. वैसे यहाँ भी बता सकता हूँ, चलो यहाँ बता देता हूँ. इसमें भी आपको आता ही है. तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे.
So this is question number 3. So here again we have time and velocity. So when time and velocity is here, we have to find acceleration in each section जैसे निकाला था, and also we have to find distance या displacement. कुछ भी निकाल सकते हैं. तो नाम दे दूँ बच्चों उसको. देखो O A B C D E F G. ठीक है, सेक्शन कैसे बन रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा. ये एक सेक्शन है, सेकेंड और बनाओ. ये देखते हो, ये देखते अलग अलग सेक्शन. तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट व्हाट यू हैव, आपके पास है क्या? यू हैव फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए. अब तो आप खुद ही बता सकते हो कि ओ से ए में क्या हो रहा है. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, यानी यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. कैसा होगा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव. यहाँ से यहाँ पैरेलल है इसके, यानी यहाँ एक्सेलरेशन जीरो आएगा. यहाँ फिर बढ़ रहा है, सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. यहाँ डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज निगेटिव, रिटार्डेशन आ रहा है. तो सब निकाल के देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा. तो फ्रॉम ओ टू ए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं. पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ इन ईच सेक्शन. सो स्लोप, एक्सेलरेशन स्लोप होता है. स्लोप क्या होता है? टेन थीटा. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन वेस. तो परपेंडिकुलर ये होता है, ये ई अपॉन बेस ओ ई. ओके, सो ए ई क्या है मेरा? ये दिस माइनस दिस, 40 माइनस जीरो, और ओ ई 10 माइनस जीरो. अरे सो 40 अपॉन 10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कहाँ से कहाँ तक आ गया? यहाँ तक. यहाँ से तो निकलेगा ही नहीं सेकंड. सेकंड कहाँ से है? फ्रॉम ए टू बी. तो पैरेलल है, एक्सेलरेशन जीरो है. क्यों जीरो है? बिकॉज इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. और अगर आपको ये नहीं पसंद कि भैया हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो ठीक है भाई ऐसे कर लो. स्लोप तो है ही नहीं. स्लोप कहाँ है? ये तो पैरेलल है इसी के. तो स्लोप हो गया 10 0. 10 0 मतलब जीरो. ये भी नहीं पसंद तो वो वाला कर लो. ये तो सेम ही डिस्टेंस पे है. 40 माइनस 40 अपॉन टाइम अलग है. 20 माइनस 10 यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दोनों तरीके से बता दिया. नाउ थर्ड, कहाँ पहुंच गए? बी से सी, बी टू सी. सो अगेन एक्सेलरेशन स्लोप 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर ये है ना, और ये बेस आ गया. ये तो मैंने बनाया ही नहीं था. ये देखो बना ना, यहाँ भी थीटा है, भूलना नहीं. सो इसको नाम नहीं दिया मैंने, जी एच दे देता हूँ. एच सी एच अपॉन बी एच, सी एच अपॉन बी एच. तो सी एच कितना होगा? ये देखो, ये दिस माइनस दिस, तो दिस इज 60 एंड दिस इज 40. 60 माइनस 40 और टाइम 30 माइनस 20. ये देखो 30 माइनस 20. सो 60 माइनस 40 इज 20 एंड दिस इज 10. सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पहले कितना आया था? 4 आया था, मतलब यहाँ पर कम है थोड़ा.
नाउ लास्ट सी टू डी, तो सी टू डी में भी एक्सेलरेशन, स्लोप, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है ना बच्चों सी जी एंड बेस इज जी डी. सो दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज फाइनल पोजिशन. ठीक कह रहा हूँ ना? तो ये माइनस में कैसे आएगा, अब इसको चेक करना है. दिस ये तो नीचे तो आ रहा है 50 माइनस 30, और मुझे क्या चाहिए, सी जी चाहिए, सी जी. तो ये जीरो हो गया यहाँ तक ये, और ये कितना था 60, जीरो माइनस 60, तो माइनस 60 अपॉन 20, जीरो से जीरो गया, टू थ्री जा सिक्स, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसा लगा अगस्त, मजा आया? अब मैं आपको हर सेक्शन में एरिया निकालूंगा, तो एरिया निकालूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा. क्या आ जाएगा? डिस्टेंस. ये लास्ट टॉपिक है अपना. वैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा और क्वेश्चंस का, अभी तो यहाँ खत्म करते हैं. सो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ या डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो फाइनल और इनिशियल होता है. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ईच सेक्शन, तो पहला कहाँ से कहाँ, वो से याद है, याद है डिस्टेंस. अरे एरिया अंडर द कर्व है ना, तो एरिया अंडर द कर्व, ये मैं लाइन एक ही बार लिखूंगा है. वी नो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड. हो सकता है मैं आगे आ गया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तरफ जाके, घबराए नहीं. वी नो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर. तो इसके नीचे का एरिया, इसका एरिया पहला ये सेक्शन है, कौन सा, ए ओ ई, ए ओ ई सेक्शन है मेरा ट्राइंगल है ना, ये वाला ये ट्राइंगल है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ई क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेरी गुड, हाफ बेस इंटू हाइट, और समटाइम्स बच्चे इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एक ही बात है, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड. तो हाफ बेस, अब बेस तो आपको बहुत बार समझ में आ गया, ये बेस है, कितना है 10, और ये परपेंडिकुलर है, दो ही तो चीजें यूज करते हैं हम, ओ ई एंड ए ई है ना, OE into AE कितना है, OE O से ही 10 है, और A से ही कितना है, ये 0 है, ये 40 है, 40 माइनस 0 है ना, 40 है, 2 टू जा 4, 200 मीटर, ये पहला आ गया मेरा, फर्स्ट आया. ओके अब सेकंड पे आता हूँ, कौन सा भाई सेकंड, ये है ये वाला, ये रेक्टेंगल है. नंबर टू, फ्रॉम ए टू बी इन रेक्टेंगल, क्या नाम है भाई मेरे, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई. सो इसका भी एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम भी लिख सकते हैं, लिख दूं, चलो कौन सा है, ए बी एफ ई, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलो बच्चों, आशाबाज, बेस, बेस चलो अच्छा आप कहोगे यहाँ बेस की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है ना एल इनटू बी, तो किसी को भी लेंथ ले लो, इसको ले लेता हूँ, ये ए ई एंड ई एफ, तो ए ई कितना है, ए से ही देखो 40 है, एंड दिस इज 20 माइनस 10,
So 40 into 10, that is 400 meter. Okay, अब थर्ड में ये ट्राइंगल है और फिर ये एक और क्या है नंबर थ्री, इसको ट्रेपेजियम भी लेते हैं हम कई बार, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ओके, अभी आप बच्चे हैं इसलिए ना लें। तो तीसरा ये ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल कौन सा है बी सी एच, करेक्ट। तो अब एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एच 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, बेस ये है बी एच यानी 30 - 20 एंड हाइट ये है। अब ये हाइट कितनी है देखो, 60 और यहाँ से यहाँ तक 40 था, 60 - 40। सो 1/2 इंटू 10 इंटू 20 210 या 100 आ गया। ओके अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक लगे तो आप ठीक कर लें, नाराज ना हो। फोर्थ पॉइंट पे आ गए अपन, फोर्थ ये फिर रेक्टेंगल है, फोर्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है बी एच जी एफ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये है ना बी एफ और ये है एफ जी, करेक्ट। बी एफ इज कितना है, बी एफ देखो 40 है और एफ जी ये है 30 - 20, तो 40 इंटू 10 यानी 400 मीटर हो गया। नहीं, अरे नहीं हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। फिफ्थ वाला बचा है ट्राइंगल, इसको अलग कलर से यहाँ करता हूँ। फिफ्थ ये वाला ट्राइंगल सी जी डी कहाँ से कहाँ तक है, सी से डी जा रहे हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी जी डी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस, बेस है ये 50 - 30 और हाइट ये सी जी कितना है, सी जी 60 है ये। सो 1/2 20 × 60 2 3 जा आओ आओ 600 मीटर आ गया है बस। ओके अब इन सबको ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ ऐड, तो टोटल डिस्टेंस आएगा। सो टोटल डिस्टेंस शुरू से चलता हूँ, फर्स्ट 200, दूसरा 400, 100, फोर्थ क्या था 400 और ये था 600, कितना हो गया 1000, 6 × 4 = 10 × 4 = 14 × 2 = 16, 1700 मीटर आ रहा है शायद। आप और चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ठीक किया है। ये फिर से कर लेते हैं, 200, 400, 700, 700, 1100, 1700। ओके, तो और क्वेश्चंस करेंगे हम, इसको आप और कोशिश कीजिए करने का। नाउ यू नो वेरी वेल, अगेन कंसेप्ट शुड बी नोटिस्ड, इफ यू नो द कंसेप्ट कि अगर वेलोसिटी और टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों निकल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व एंड एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ द कर्व परपेंडिकुलर अपॉन दिस। एक्स टी कर्व है तो यू कैन फाइंड वेलोसिटी और स्पीड। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आस्क, प्लीज़ आस्क।
थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, माता पिता से प्यार लें, प्यार दें, घर वालों की सेवा करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, खुश रहे बच्चे, क्योंकि संसार आपका ही है आगे। थैंक यू।